फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सफेद चावल बन जाए और आपको पुलाव तैयार करना है तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल का पुलाव लेके आई हूँ। और आप सफेद चावल बना के भी इस पुलाव को बना सकते हैं। अगर इस स्टाइल से पुलाव बनाएंगे आपके घर में सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बचे हुए चावल से टेस्टी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये सफ़ेद खिले हुए चावल लिए हैं। अगर आप ऐसे ही खिले खिले अच्छे चावल बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उसकी वीडियो देख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं, इसमें हम 2 स्पून ऑयल डालते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें अब हम डालते हैं, ये हमने 10-12 काली मिर्च ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3-4 लौंग लिए हैं और 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं, वो इस ऑयल में हम डाल देते हैं। और इस ऑयल को मतलब जैसे कि हल्का सा हो रहा है, इसे ऐसे ही होने देते हैं। जैसे ही हल्के हल्के हो जाए, मतलब थोड़ा सा भुनने में आ जाए जैसे कि, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा। 1 स्पून लगभग हम इसमें जीरा डाल देते हैं। उसके बाद जीरे को भी हम इसमें थोड़ा होने देते हैं और इसमें हम राई भी डाल देते हैं। हम जीरा और राई दोनों का शौक इसमें लगाते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने लंबी कट कर करके हरी मिर्च रखी थी, इसके 2 टुकड़े ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, वो इसमें हमने डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद ये कट की हुई गाजर ली है हमने, ये इसके भी हमने ये लंबे लंबे टुकड़े करके रखे हैं गाजर के, वो इसमें हम डाल देते हैं। और गाजर को भी हम थोड़ा भून लेते हैं। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज भी डाल सकते हैं कट करके। ये हमने कट की हुई शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। मतलब अभी आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, और प्याज को भी इसमें अच्छे से भून सकते हैं। मतलब प्याज सबसे पहले डलेगी गाजर से भी पहले, और इन दोनों चीज़ों को हम इतना भूनते हैं जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। चलाते रहते हैं और इन्हें भूनते जाते हैं। ये हमारी भुन गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हें हमने थोड़ा भून लिया है, ये हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं ये उबली हुई हरी मटर और इनको थोड़ा इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं मटर को भी। फिर इसके बाद इसमें ये जो हमने सफ़ेद चावल लिए थे वो डाल देते हैं, अच्छे से फैला फैला के इसमें डालेंगे, एकदम गुटले की गुटला डाल देंगे तो आपके खिला हुआ पुलाव सा नहीं बनेगा, इसलिए हम थोड़ा फैला फैला के डालते हैं। और फिर इसे खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करते हैं। इस तरीके से आप एक बार चावल बना के देखिए, पुलाव बिरयानी आप इसे जो नाम देना चाहते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के आता है। थोड़ा स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं डालना। चावल में नमक होता है, कई बार जो लोग नमक डालते हैं चावल में वो ना डालें, और जो नहीं डालते वो डाल सकते हैं। और इसमें हमने ये बिरयानी मसाला डाल दिया है, और बिरयानी मसाला डालने के बाद इन सारे चावलों को खूब अच्छे से मिक्स करते हैं। इसे हमने बिरयानी मसाला डाला है और पुलाव जैसा इसे बनाया है तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अलग आता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की सिंपल रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अब जैसे ये चावल अच्छे से हो जाए, सब कुछ मिक्स हो जाए, तो इसमें एंड में जो है हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। और ये हमने कट किए हुए टमाटर लिए हैं थोड़े से, वो इसमें हम डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ऊपर से टमाटर डालने का, और इसे हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं और हमारा ये टेस्टी बिरयानी प्लस पुलाव बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये पुलाव की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।